हेलो एवरीवन, मेरा नाम सहर। अस्सलाम वालेकुम, मेरा विशा। आप सबका बहुत ज्यादा स्वागत है हमारे चैनल पर। एक दफा से जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जरूर सब्सक्राइब करें। आज हाँ जी हम बहुत ज्यादा आपके आपके से बातें बताते हैं, इसलिए कर रहे हैं। हमें चाहे आप वो चाहते ही हैं, हमें इतना ज्यादा प्यार देते हैं, मोहब्बत। हम भी आपको बहुत चाहते हैं, हम मिस करते हैं। बिल्कुल, आज की जो वीडियो लेकर आए इसमें हम देखने वाले हैं कि भाई पाकिस्तानियों ने पता नहीं कौन सा एक और इंटरनेशनल कांड कर दिया है। क्या कांड कर दिया है वो तो इस वीडियो में देखकर ही पता चलेगा। तो आपसे इतनी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को अंत तक देखिएगा, चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। डिफेंस डिटेक्टिव की वीडियो है, भी जाकर जरूर देखिएगा। देखते आज पूरी चलिए। इस वीडियो में बताई गई सारी जानकारी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। इसमें ऐसी कोई जानकारी नहीं दी गई है जिससे हमारे सुरक्षा बलों की गोपनीयता भंग होती है। डिफेंस डिटेक्टिव सेना का सम्मान करता है और उन्हीं जानकारियों के आधार पर काम करता है जो सार्वजनिक रूप से मौजूद है। दोस्तों, ये वीडियो पाकिस्तान से आया है। वीडियो का एक छोटा सा हिस्सा देखकर आपको अंदाजा हो गया होगा कि मामला छोटा मोटा नहीं है। तो जनाब, ये वीडियो नहीं है, सबूत है पाकिस्तान के गंदे चेहरे के एक्सपोज होने का, उसकी हकीकत सामने आने का। पाकिस्तानियों के जिस नफरती माइंडसेट की बातें मैं करता हूं, उस माइंडसेट को ऑन कैमरा देखने का। नमस्कार दोस्तों, डिफेंस डिटेक्टिव के एक और नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो दोस्तों, पाकिस्तानियों ने एक और कांड कर दिया है और इस कांड के बाद पूरी दुनिया में एक बार पाकिस्तान की इमेज ने अपना ही पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया है। रिकॉर्ड इस बात का कि कैसे दुनिया के सामने अपनी इज्जत को अपने ही हाथों तबाह किया जाए, और इस बार तो ये रिकॉर्ड पाकिस्तानी पुलिस ने बनाया है। वीडियो में ये जो शख्स आपको नजर आ रहा है, ये पाकिस्तान का पुलिस वाला है। उसके पीछे उसके दो चार चट्टे बट्टे भी खड़े हैं, और जिनके साथ ये बदतमीजी कर रहा है वो बेचारे टूरिस्ट हैं। टूर पर निकले थे और पाकिस्तान होकर गुजर रहे थे, लेकिन बेचारों की बदकिस्मती कि उन्होंने पाकिस्तान और पाकिस्तानियों पर रिसर्च अच्छे से नहीं की थी। नतीजा बेचारों के साथ वो हुआ जिसके बारे में विदेशी टूरिस्ट सोच भी नहीं सकते थे। बेचारी विदेशी महिला टूरिस्ट पर पाकिस्तानी पंजाब के पुलिस वाले ने झपट्टा मारा। बेचारे विदेशी पुरुष टूरिस्ट को उसने बालों से पकड़कर खींचा, उनके साथ धक्का मुक्की की, बदतमीजी की, गालियां दी। पाकिस्तानी ये कहते नहीं थकते कि जी हम तो बड़े मेहमान नवाज हैं, हम तो जी जो मेहमान आते हैं उनकी बड़ी खातिरदारी करते हैं, पर इस वीडियो को देखने के बाद क्या कहेंगे? क्योंकि हर बात के लिए तो आप भारत पर टोपी ट्रांसफर कर देते हैं कि पाकिस्तान की छवि बिगाड़ने में, इमेज बिगाड़ने में भारत का हाथ है। अरे भाई, तो पाकिस्तान के इस पुलिस वाले को भारत वालों ने फंड किया था क्या कि विदेशी टूरिस्ट के साथ गलत सलूक करे? मुझे लगता है कि आप ये दलील देंगे कि एकाध घटनाएं तो हो ही जाती हैं, पर जनाब मेरे पास कई घटनाओं का कच्चा चिट्ठा है, उसकी भी पूरी डिटेल देने वाला हूं। लेकिन पहले इस वीडियो की पूरी सच्चाई बता देता हूं, क्योंकि अगले वीडियो में पाकिस्तान की इज्जत और ज्यादा उछलने वाली है। What? Please go. I want to know why he grabbed his hair and all of these people. And then he tried to hit us with a large. It's not good for you. We need a translator on our side for this. I'm going to embassy directly. This guy. Shame on you. Shame on you. इतने के बाद भी पुलिस वाले की अकड़ में जरा भी कमी नहीं आई। देखिए किस तरह वो गाड़ी की विंडो से अपनी राइफल को बाहर निकालता है, मतलब राइफल दिखाकर धमका रहा है। इसके बाद वो महिला टूरिस्ट और ज्यादा गुस्से में आ जाती है और कहती है कि गोली मार दो मुझे। Okay, use it. Shoot me. Shoot me. देखिए, जाहिर सी बात है कि उन टूरिस्ट ने वीडियो को सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया है,
क्योंकि उन्हें पता था कि शिकायत लेकर अगर वो पाकिस्तानी पुलिस के पास जाते हैं तो उनका मामला रफा दफा कर दिया जाएगा, इंसाफ मिलेगा नहीं। सोशल मीडिया पर जब ये वीडियो वायरल हो गई तब मेनस्ट्रीम मीडिया पर प्रेशर बढ़ गया, पाकिस्तानी न्यूज चैनल्स पर। मैंने इस न्यूज को ढूंढा लेकिन अब तक, जब तक कि मैं ये वीडियो बना रहा हूं, तब तक मुझे एक भी खबर इसकी नहीं मिली। हाँ, जो पाकिस्तानी न्यूज वेबसाइट्स हैं उन्हें मजबूरी में इस खबर को पब्लिश करना पड़ा है। पाकिस्तानी न्यूज वेबसाइट डॉन न्यूज ने 28 जनवरी को यह खबर पब्लिश की। हेडिंग में लिखा था कि तीन साइक्लिस्ट जो टूर पर थे उन्होंने सदीकाबाद में पुलिस की बदसूली की और टॉर्चर को झेला। इसके बाद अगले दिन यानी 29 जनवरी को डॉन न्यूज ने इसका अपडेट भी डाला कि टूरिस्ट ने पुलिस पर कई बार हमला करने और सेक्सुअल हरासमेंट का आरोप लगाया। 30 जनवरी को parkwheels.com नाम की वेबसाइट ने उस वीडियो को पोस्ट किया जिसमें विदेशी टूरिस्ट के साथ पाकिस्तानी पुलिस के द्वारा बदतमीजी की गई थी। पाकिस्तान में एक और बड़ा मीडिया प्लेटफॉर्म है इंडिपेंडेंट उर्दू। ये ब्रिटिश न्यूज़पेपर द इंडिपेंडेंट का उर्दू भाषा का प्लेटफॉर्म है। उसने भी वही वीडियो पोस्ट किया और बताया कि तीन टूरिस्ट जो कि साइकिल पर पाकिस्तान आए थे उनमें से एक इटली, एक ब्रिटेन और एक ईरान की रहने वाली थी, उनके साथ पुलिस ने बदतमीजी की है और टॉर्चर करने का भी आरोप है। ये तीनों सदीकाबाद से रहीम यार खान जा रहे थे। अब आप इससे समझ सकते हैं कि मामला सिर्फ पाकिस्तान तक नहीं रहा, ये तो इंटरनेशनल बन गया है। वेबसाइट ने उसे इंटरनेशनल बना दिया है। जाहिर सी बात है, जब इंटरनेशनल टूरिस्ट के साथ ऐसा बर्ताव किया जाएगा वो भी पाकिस्तान के पुलिस वालों के द्वारा, तो पाकिस्तान की सच्चाई जो है वो पूरी दुनिया तक तो पहुंचनी चाहिए। दुनिया को पता चाहिए कि भाई पाकिस्तान में हो क्या रहा है और क्यों पाकिस्तान में टूरिस्ट को नहीं आना चाहिए। जब थूथू होने लगी तो फिर पंजाब पुलिस को इज्जत बचाने के लिए सामने आना पड़ा। पंजाब पुलिस ने अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया और पूरे मामले में डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की। बताया कि पुलिस तो उन टूरिस्ट को सिक्योरिटी प्रोवाइड कराना चाहती थी क्योंकि उसमें एक जो महिला टूरिस्ट थी वो ईरान की रहने वाली थी और चूंकि ईरान के साथ पाकिस्तान के संबंध अभी ठीक नहीं चल रहे इसलिए उन्हें सिक्योरिटी देना हमारी जिम्मेदारी थी। एज पर सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स हमने उनको सिक्योरिटी देनी होती है। प्लस इन्हीं टूरिस्ट में से एक टूरिस्ट ऐसे कंट्री से बिलोंग करती है जहां पे कुछ दिन पहले 9 पाकिस्तानियों के साथ एक अजियतनाक वाक़ा पेश आया जिसमें उनको मर्डर कर दिया गया। इसलिए इनको सिक्योरिटी देना और भी इम्पोर्टेंट हो चुका था जबकि इन्होंने सिक्योरिटी लेने से इनकार कर दिया। इसके बाद हमारे ASP हैं सदर रहीम यार खान और AC सादकाबाद, दे बोथ वेंट टू द प्लेस। इन्होंने उनको एक्सप्लेन की सिचुएशन, जिसके बाद टूरिस्ट ने पंजाब पुलिस का भी शुक्रिया अदा किया और उनको सिंधी अजरक भी दी गई और कर्सेज भी एक्सटेंड की गई। उनकी वीडियो भी आप देख सकते हैं। पंजाब पुलिस कमिटेड है कि इस एरिया को सेफ एंड सिक्योर बनाया जाए। इसी एरिया में एक कामयाब कच्चा ऑपरेशन भी हो चुका था, इस वजह से इट वाज आल्सो वेरी वेरी इम्पोर्टेंट कि हम अपने जो टूरिस्ट है उनको फुल प्रूफ सिक्योरिटी दें। अब जाहिर सी बात है पाकिस्तान की इज्जत तो दुनिया भर में उछल ही गई, उन बेचारे टूरिस्ट को पाकिस्तान से निकलना भी तो है, इसलिए उन्होंने इस मामले को और ज्यादा आगे नहीं बढ़ाया। पर जनाब ये सारे काम तो उन बेचारों को टॉर्चर करने के बाद हुआ ना, आपकी पुलिस ने उनके साथ क्या किया है वो पूरी दुनिया देख चुकी है और मेरे इस वीडियो के जरिए और भी देखेगी। वो तो भला हो सोशल मीडिया का कि वहां सबूत के तौर पर ये वीडियो मौजूद है, खुद पाकिस्तानी मीडिया पर्सन ही अपनी पुलिस के डैमेज कंट्रोल पोल खोल रहे हैं। उबैद भट्टी पाकिस्तान के जर्नलिस्ट हैं, ट्विटर पर उनके बायो में सोशल एक्टिविस्ट और ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट भी लिखा गया है। कई पाकिस्तानी न्यूज चैनल्स में वो काम भी कर चुके हैं। उन्होंने लिखा कि IG शायद जानबूझकर इस मामले को इग्नोर कर रहे हैं, वीडियो अटैच किया हुआ है, शायद ये वीडियो उन्हें गाइड करे, ये डिजिटल एज है और वीडियो एविडेंस मौजूद है। बात तो सही है क्योंकि उबैद भट्टी को ये पता है कि इस वीडियो ने और इस घटना ने पाकिस्तान के इमेज को दुनिया भर में किस कदर डैमेज कर दिया है। एक तो टूरिस्ट आते नहीं है पाकिस्तान, उनके साथ किस तरह का बर्ताव होता है ये अब सबके सामने आ गया है। और फिर गाना गाया जाएगा कि जी दुनिया भर में पाकिस्तान का नाम जो है वो साजिशन बदनाम किया जाता है, साजिशें रची जाती हैं और इसके पीछे भारत है। लेकिन जनाब चक्कर ये है कि पाकिस्तानी ही खुद इस तरह की करतूतें करने में माहिर हैं। सैयद मुजम्मिल शाह पाकिस्तान के जाने माने मीडिया पर्सन हैं, खुलकर बोलते हैं, लॉजिक से बात करते हैं। उन्होंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर 16 अगस्त 2022 को एक वीडियो पोस्ट किया था और लिखा था कि विदेशी टूरिस्ट के साथ पाकिस्तानी मर्दों ने छेड़खानी की,
पाकिस्तानी मर्द वही काम कर रहे हैं जिनमें वो बेस्ट हैं। ये वीडियो इस्लामाबाद में शक्करपरिया इलाके का था, जिसमें कुछ विदेशी महिलाओं को पाकिस्तानी मर्दों ने घेर लिया था और उनसे छेड़खानी कर रहे थे। ये वीडियो जो आपने अभी देखी है, शकरपड़िया का इलाका इस्लामाबाद का, जहाँ पे कुछ गैर मुल्की खवातीन ये गलती कर बैठी कि हम 14 अगस्त को बाहर निकल जाते हैं, ये सोचे बगैर कि एक बीस्टली क्रिएचर्स की एक नई नस्ल जिसका नाम पाकिस्तानी मर्द है, वो खुले फिर के आज़ादी मना रहे हैं। इस दिन तो उन्होंने घेर लिया इन खवातीन को और दस्त राजी की और हरास किया इनको, और इनके चेहरे ऐसे सहमे हुए और खौफजदा हैं जैसे लिटरली जंगली जानवर जिस तरह से आ गए हों इनके इर्द गिर्द, इनको भागना पड़ रहा हो। तो जब भी बात की जाती है ऐसे इवेंट्स की, तो आगे से जवाब ये मिलता है कि ये स्टेज्ड है, ये पेड है, ये पैसे दिए हुए, ऐसा नहीं हो सकता। 14 अगस्त को जो मीनारे पाकिस्तान हुआ था वो भी सारा पेड इवेंट था, और उन मर्दों को उनके हाथ पकड़ लिए गए थे कि इस औरत के कपड़े फाड़ो, इसी तरह ये भी पेड़ होगा। 2 साल पहले लाहौर के मेट्रो स्टेशन पे जो वाकया हुआ था कि 2 खवातीन फिर रही थी और 250 मर्दों ने मिल के हरास किया था, वो भी पेड़ था। ये सब पेड़ हैं। बात ये है कि फॉरेन टूरिज्म की बड़ी आप बात करते हैं कि बाहर से लोग आएँ, लेकिन पहले इंसानों का मुआशरा तो तश्कील दे लो। गली मोहल्ले में हैवान फिर रहे हैं यहाँ पे, पहले उनको तो गलियों से रिमूव करो, उसके बाद में कोई इंसान छोड़ना यहाँ पे। इस मुल्क के तो बॉर्डर्स के ऊपर ना कॉशन लिखा होना चाहिए कि दिस इज़ द 6th मोस्ट डेंजरस कंट्री फॉर वुमेन इन द वर्ल्ड, सो डोंट गो बियॉन्ड दिस इफ़ यू हैव एन ओवरी। ठीक है, अगर आप एक खातून हैं तो इससे आगे नहीं जाना आपने, क्योंकि इससे आगे सिर्फ भेड़ बकरियां और भेड़िए रहते हैं। तो हर वो इंसान जो बात करता है टूरिज्म की, थ्राइविंग इंडस्ट्री बनाएंगे और ये करेंगे, पहले इंसान पैदा कर लें यहाँ पे। तो आप कहते हैं कि जितनी खवातीन की इज्जत हमने की है दुनिया में कोई नहीं कर सकता, और मगरब का निज़ाम जो है वो तबाह हो चुका है, और हमने तो अपनी खवातीन के सरों पे चादरें दी हैं और उनको बिठाया है। एक गली तो ऐसी पूरी मुल्क में बना नहीं सके जहां औरत आराम से फिर सके, जहां साइकिल चला सके, जहां अकेली वॉक कर सके हाथ लगवाए बगैर, और प्राइड ऐसी लेते हैं कि इससे अजीम। वीडियो तो यार देखा ही आप सबने इस वीडियो में कि क्या हुआ है। मैं आप बताएं पहले आप क्या बोलना चाहते हैं। मैं कह रही हूँ कोई आया तो इज्जत करेगा, कपड़े बहाने चाहिए। बात कितनी गलत हरकत है, कितनी शर्मनाक हरकत है, कितना और शर्मसार करवाएंगे ये। वो कहते होंगे हम कहाँ हो गए, वो किस जंगल में वो सोचते होंगे। और देखिए ना कभी सच्ची में एक लेडी को कभी देखा, मैं तो मैं खुद बोलूंगी कि यहाँ पे एक लड़की फर्ज करे उसने सर पे दुपट्टा नहीं ना लिया हुआ, तो आप कोई लड़की बाहर चले जाए तो उसको इस तरह से घूरा जाएगा कि जैसे ना वो पता नहीं क्या, वो उसने शायद वो उसने कोई कपड़ा ही नहीं पहना हुआ, या फिर फर्ज करे एक लड़की बुरखे में भी जा रही है ना, तो उसको लोग इस तरह से देखेंगे, मतलब कि जैसे पता नहीं कौन सी चीज जा रही है। तो एक फॉरनर जब आ जाए फिर आप सोच सकते हैं कि उसके साथ लोग क्या बिहेवियर करते होंगे। हालांकि वो जो लेडीज थी दो, उन्होंने सर पे हमें दुपट्टा लिया हुआ है, तो फिर भी उन्होंने मर्दों ने उनको कैसे घेरा हुआ, कितना साथ मर्द तो था, लेकिन इतने ज्यादा लोग जब आ जाए पास, तो इंसान को कितना अकवर्ड फील होता है कि ये मेरे साथ क्या कर रहे हैं, ये क्यों कर रहे हैं। वो अपने कंट्री में वो इतनी आजादी के साथ घूमते हैं, इतनी उनको सिक्योरिटी फील होती है, तो यहाँ पे आके उनके साथ इस तरह से कोई बिहेवियर करे तो कितना बात है, लानत वाली बात है। और यार ये जो मतलब मामला हुआ है ना, बहुत ज्यादा शर्मनाक वाकया हुआ है सच्ची में। अगर आप अपने कंट्री में चाहते हैं कि यहाँ पे टूरिस्ट आए, तो उनके लिए कम से कम सिक्योरिटी तो रखें। सबसे पहले आप अपने माशरे की जो खतून है उनको सिक्योरिटी दें, तो फिर ही कोई बाहर से आएगा ना। अब हम इंडिया की वीडियोस देखते हैं, वहां पे जो एक लड़की है 20-22 साल की जो अकेली घूम रही है, कितने आराम से घूम रहे हैं, कोई आपने देखा वहां पे उसको इस तरह से? यहाँ पे तो लोग इस तरह से ऐसे हाथ लगाते, इतना गंदा फील होता है। आप किसी भीड़ वाली जगह पे चले जाओ ना, तो सच्ची में आपको ऐसे टच करेंगे तो इतना बुरा फील होता है कि मिलता क्या ऐसे टच करके, क्या मिलता है ऐसे लोगों को, इतनी लानत भेजने का दिल करता है ना। ऐसे जो होते हैं मर्द जिनकी सोच ही इतनी गंदी है सच्ची में। मैं तुर्की गई, दुबई गई हूँ, वहां पे मैंने नहीं देखा कि कोई आपको घूरा। इतने लड़कियां, इतने लड़के, आप अकेली लड़की वहां पे जा सकती है, आपको इतना सिक्योर फील होगा कि वहां पे आपको कोई देखने वाला नहीं है। लेकिन ये जो पाकिस्तानी है ना, ये कहीं जाएंगे, अम्मी आपको पता है ये पाकिस्तानी जो है ना, इन्होंने तुर्की में क्या किया, वहां पे जो लड़कियां है ना उनकी वीडियोज बना के ना, मतलब कोई फर्ज करे लड़की जा रही है, तो फर्ज करे मैं ही हूं तो मैं वहां पे जा रही हूँ, कोई मेरी वीडियो क्यों बनाए मेरी इजाजत के बिना, कोई क्यों बनाए तो इस तरह से लड़कियों की, फर्ज करे वो बीच पे कोई लड़की ना आ रही है उसकी वीडियो बना के ना,
तो अपलोड कर दी इन्होंने, बहुत ज्यादा गंदे काम इस तरह से किए वहां पे तुर्की के लड़कियों के साथ, तो इनको इतनी ज्यादा सब पाकिस्तानियों को निकाल दिया, उन्होंने कहा निकलो, और इतने उन्होंने नारे लगाए कि हम पाकिस्तानियों को अपने कंट्री में घूम फिरने नहीं देंगे, इतनी इनकी इंसल्ट हुई, इतना हाँ इतनी बुरे इनको जाना गया। लेकिन अभी थोड़े से हालात बेहतर हुए हैं सच्ची में, इसी वजह से वो वीजा ही नहीं देते पाकिस्तानियों को, क्योंकि ये उनके जो लड़कियां हैं उनके साथ जाके इस तरह से गंदी हरकतें करते हैं। तो यार बहुत ज्यादा बुरा फील हुआ ये देखकर, अंदर से ना गुस्सा बहुत ज्यादा आ रहा है। सबकी बेटियां ये जो मतलब ऐसे मर्द होते हैं ना, वो अपनी जो बहन बेटियों को ना घर में छुपा के रखते हैं कि उनको कोई ना देखे, उनको कोई ना देखे, लेकिन दूसरों के साथ हाँ हम जो मर्जी करते रहे तो कोई नहीं है। तो सच्ची में बहुत बुरा फील हुआ है। आपकी क्या राय है इस हवाले से बताना, चैनल को सब्सक्राइब करना, फिर मिलता है।